देवांगना, नताशा, कलिता और आसिफ इकबाल। जी हाँ, जामिया के यह चार नाम पिछले एक साल से चर्चा में हैं। जी हाँ, इन सभी को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया था। अदालत ने इन्हें जमानत भी दे दी, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अड़ंगा डाल दिया, लेकिन कानून ने अपना काम किया और इन्हें जमानत मिल गई। आइए इस पूरी जमानत की खबर के साथ साथ जो ये किरदार हैं, जो इस समय मीडिया में जमकर हाईलाइट हो रहे हैं, इनकी शिक्षा और इन पर लगाए गए आरोप और ये किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में आप जान लीजिए। देवंगना कलिता कौन है और इन पर क्या आरोप लगे हैं? देवंगना कलिता JNU से MPhil PhD कर रही हैं, मिरांडा हाउस कॉलेज से इंग्लिश में BA ऑनर्स किया था और UK की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है। देवंगना कलिता ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें दिल्ली दंगों के सिलसिले में UAPA के तहत दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। देवंगना कलिता पर दंगों से जुड़ी 4 FIR दर्ज हैं, बाकी 3 मामलों में पहले ही इन्हें जमानत मिल चुकी है। UAPA केस में हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। 23 से ज्यादा आरोप इन पर लगे हैं, जिनमें हत्या, राजद्रोह भी शामिल है। बाद में इसमें आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून UAPA के प्रावधान भी जोड़ दिए गए। देवंगना कलिता को मई 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब से ये जेल ही में थी। इन पर आरोप है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर तमाम मोर्चे पर सक्रिय रहने वाली इस JNU छात्र ने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल इलाके में स्थानीय लोगों को भड़काया, खास तौर पर महिलाओं को, और उनमें उत्पीड़न की भावना भरी, जिसके चलते दिल्ली में हिंसा और दंगा भड़का। नताशा नरवाल ने JNU से MPhil PhD की पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरा किया है। इन्होंने भी हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के 28 जनवरी 2021 के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें दिल्ली दंगों के सिलसिले में UAPA के तहत दर्ज मामले में इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दंगों से जुड़ी इन पर भी 3 FIR में अन्य के साथ आरोपी बनाया गया है, बाकी 2 मामले में इन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है। UAPA केस में हाई कोर्ट ने जमानत दी है। इन पर भी 23 से ज्यादा आरोप हैं, जिनमें हत्या, राजद्रोह भी शामिल है। बाद में इसमें आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून UAPA के प्रावधान भी जोड़ दिए गए। इन्हें मई 2020 में हिरासत में लिया गया था। इन पर भी आरोप है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर तमाम मोर्चे पर सक्रिय रहने वाली JNU छात्रा ने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल इलाके में स्थानीय लोगों को भड़काया, खास तौर पर महिलाओं को, और उनमें उत्पीड़न की भावना भरी, जिसके चलते हिंसा और दंगा भड़का। आसिफ इकबाल तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया से BA ऑनर्स परीक्षण की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने भी हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के 26 अक्टूबर 2020 के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसने दिल्ली दंगों के सिलसिले में UAPA के तहत दर्ज मामले में इन्हें भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दिल्ली दंगों के सिलसिले में दर्ज मामले में जमानत देने से निचली अदालत ने भी इनकार कर दिया था। 16 सितंबर 2020 को केस की पहली और प्रमुख चार्जशीट अदालत में दायर की गई। 22 नवंबर को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। आसिफ इकबाल तन्हा को दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून UAPA के प्रावधान भी जोड़ दिए गए हैं। इन्हें मई 2020 में हिरासत में लिया गया था। आसिफ इकबाल तन्हा पर आरोप है कि इन्होंने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका अदा की है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आरोप सत्य प्रतीत होते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तन्हा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। पुलिस ने उसे उमर खालिद, मीरान हैदर, सफूरा जरजर का करीबी साथी बताया है।